करने के बाद हमको अटल जी का नेतृत्व मिला था, उनका मार्गदर्शन मिला था, उनकी बनाई न्यू पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी और आज उस पर उससे तैयार हुए जो कार्यकर्ता विभिन्न पदों पर बैठे हैं उन्होंने सुशासन की एक नई परिभाषा लिखी है। आज हितग्राही तक सीधे लाभ पहुंच रहा है। मैं किसी न्यूज चैनल पर देख रहा था तो उसने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हितग्राही है, लाभार्थी, उन तक सीधे सब पहुंचे, लाभ पहुंचे, इसका सूत्रधार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो हमारी सुशासन में चलने वाली सरकारों ने उसको नीचे तक उतारने का काम किया है। हम लगातार मध्य प्रदेश में सरकार में, देश में हमारी सरकार है और अभी तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता ये बोल रहे हैं कि उनको लड़ने नहीं चाहिए लोकसभा के चुनाव। कारण उसका ये है कि हमने जनता के हित के लिए काम किया है, जनता को सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है। लक्ष्य हमारा एक है, भारत को दुनिया का नंबर एक का राष्ट्र बनाना, और वह तभी बन सकता है जब हमारे अंदर लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए कुल बुलाते न रहे, उनके पास इसकी सुविधा रहे, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, उनके पास अच्छी शिक्षा रहे, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा रहे, तभी भारत मजबूत हो सकता है। केवल दुनिया में बम बजा के फोड़कर मिसाइलें चलाकर हम ताकतवर नहीं हो सकते। हम ताकतवर तब होंगे जब हमारे यहां रहने वाले लोग ताकतवर, और हमारे यहां रहने वाले लोग ताकतवर तब होंगे जब वो स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र भाव के होंगे, और साथ में उनको जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस नस को पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और हमारी सरकारों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी भी पद पर पहुंच जाता है तो पूरा समय जन कल्याण में लगाता है। ये वो सीख थी जो हमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दी। चूंकि अभी एक और कार्यक्रम है तो ज्यादा बृहद